स्लो चला रहा, देखो कितना पुरानी वाली, देखो कितनी फास्ट चल रही है। ऑप्शन वाला है, ट्रांसफर से लिया था, उसको कंप्लीट कर रहा है, इसकी लाइट वाइट लगा के एकदम कर दिया ओके। और इसका ये टायर सामने वाला थोड़ा डैमेज है, इसको भी कर रहा है चेंज। एक गाड़ी हुई काफ़ी गंदी है, जस्ट धूल ही इतनी उड़ती क्या करो भाई। ये पीली परना पीली टी शर्ट में आदमी देख रहा है ना, ये भैया हमारी कंपनी का ऑलराउंडर बंदा है, ये दलजीत नाम है इनका, दलजीत उस्ताद। ये ट्रेलर भी चला लेते हैं भैया, डंपर भी चला लेते हैं, पेवर छोड़ के मेरे हिसाब से सब कुछ चला लेते हैं। पेवर चला जा राजा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं सुबह सुबह के 7:30 बजे और इस टाइम पे हम अपने लिनोव के प्लांट पे, और यहाँ पे प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, और JCB वगैरह चलते हैं, फिलर का गड्ढा बड्ढा साफ कर रहे हैं वहाँ पे। और दोस्तों आज एक प्रॉब्लम हो गई है, सुबह सुबह जैसे ही आया और यहाँ पर लोडर जो हमारे थे, एक्समा का लोडर जहाँ प्लांट पे चलता वो भी ब्रेक डाउन हो गया, क्रशर पे चलने वाला जो JCB का लोडर था वो भी ब्रेक डाउन हो गया। मतलब कि आज की तारीख में हमारे पास 4 लोडर हैं, 4 में से 3 लोडर एक साथ ब्रेक डाउन हो गए, और जो एक चौथा लोडर है वो चल रहा है क्रशर पे क्वारी में, वो तो खैर नहीं आ सकता, तो आज प्रॉब्लम हो गई प्लांट चलाने की। तो दोस्तों आज अभी हमने एक JCB तो भी बुला ली, एक और बुला था, क्योंकि 2 JCB लगती हैं अगर JCBों से अगर आप प्लांट चलाते हैं। देख लो ये JCB से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये बैग हाउस का जो फिलर निकलता है उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं और उसको कर रहे हैं हम क्लीन। देखो पानी मिक्स करने के बाद भी कितनी धूल उड़ रही है। ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छी बात है, हार्मफुल नहीं रहता है। इस टाइप से हम इसमें पानी डाल के अलग से निकाल देते हैं यहाँ पे, बाद में इसको लोड करके बाहर फेंक देंगे। भाई सुबह का हो गया 7:30 बजे का टाइम, प्लांट कर रहे हैं स्टार्ट, लोडर हो गए ख़राब, तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी चालू करने वाला था, लोडर की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। एक JCB हमारी यहाँ पहुँच गई है, पर जो तो ये जो प्लांट है हमारा लिनोव का, इसमें JCB की रेल बन जाती है, अगर एक JCB चला दी ना तो रेल बन जाएगी ऑपरेटर की, JCB की भी ऑपरेटर की भी, इसलिए हमें 2 JCB चलानी पड़ती हैं, क्योंकि वो 120 कैपेसिटी वाला प्लांट है, TPH कैपेसिटी वाला, और इसकी तो बन जाएगी रेल। तो एक JCB और बुलाई है अभी, आने वाली 5-10 मिनट में, और चालू करते प्लांट, 2 JCB एक साथ चलानी पड़ेगी आज। भाई ये मटेरियल अभी क्रशर पे हो गया, कम आ रहा बाहर से, और ये आ रहा बैतूल से भी 40 किलोमीटर आगे से, मतलब 60 किलोमीटर दूर से आ रहा मटेरियल, रात की गाड़ियाँ अभी सुबह सुबह आने लग गई हैं। एग्रीगेट का थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है इस जगह पे, यहाँ पे रेत बहुत है जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा प्लांट है यहाँ पे, एग्रीगेट पत्थर कम है यहाँ पे, रेत आप कितना भी निकाल लें, रेत की बहुत सारी खदान है, दवा नदी यहाँ नास में, नर्मदा नदी यहाँ पे पास। अभी एक ही JCB, अभी तो एक से स्टार्ट तो करता हूँ मैं, प्लांट तो हमारा कर दिया हमने, घुमाना स्टार्ट कर दिया है, सीट से उठा। देखो भाई ये तरीका होता है गिट्टी खाली करने का, अपने जगह पे ही खाली करें, कुछ ड्राइवर ऐसा उठा के पूरा निकाल देते, नचा देंगे पूरे में गाड़ी, पूरे में फैला देंगे, इस टाइप से होती खाली गाड़ी। भाई प्लांट हो गया स्टार्ट, आप देख रहे हैं धुआं निकलते हुए इसमें से, JCB लगाया हमने स्टार्ट। जा भाई गाड़ी लगा, सायरन बज गया, देखो ड्राइवर अब भग रहा है। भाई प्लांट हो गया स्टार्ट, प्रोडक्शन भी हो गया इसका स्टार्ट, और जो मज़ेदार फैक्ट रहने वाला है वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, वो है इधर साइड में, ये देखो ये भैया की बन रही है रेल, अभी अकेले दूसरी जैसी बस 15-20 मिनट में पहुँचने वाली है, स्लो रहती है। एक तो क्या है इसका बकेट छोटा रहता है, ऐसा लोडर छोटा रहता है, लोडर माल उतना ही आएगा, फिर लेके जाना उधर ऊपर वहाँ पर डालना है, और प्लांट चलता है दबा के 15 मिनट में एक गाड़ी भर जाती है यहाँ पर, मतलब इसको 15 मिनट में वहाँ मटेरियल फिल करना रहता है, वो भी अलग अलग साइज़ का, कुछ 10 mm यहाँ पे दूर पड़ी है,
20 तो खैर नज़दीक है, 6 mm भी खैर नज़दीक है। लोडर रहता है, लोडर लोडर ही रहता है भैया, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। इतना स्लो चलेगी तो इसका तो काम, आज का काम तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, एक से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। भाई जेसीबी से नहीं हो रही पूर्ति, दूसरी वाली जेसीबी ये साली अभी तक पहुंची नहीं है। और ये एक सिस्टम मैंने नया जुगाड़, देखो सदा गाड़ी खाली करते हैं ऊपर पे, 6 mm की ट्रिप है तो ऊपर ही खाली कर देंगे सीधा ऊपर पर। बस बस उठा दो, ये प्लांट चलाने के लिए भैया ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ आपको करने पड़ेंगे। जेसीबी से प्लांट चलाना मतलब नींद आने वाला काम है। भाई इसमें हॉपर पे खाली कर दी भैया पूरी गाड़ी, तो जो हम लोग जेसीबी से चला रहे हैं उसका देखो ये सारे खाली पड़े हैं, ये कभी इतने खाली रहते नहीं, भरे हुए रहते हैं। ये क्या आ गई भैया, बोरी आ गई, ये काम खराब कर देगी, इसको निकाल। चलो दोस्तों दूसरी वाली भी आ गई, एक की बन गई रेल, अपन ने ऊपर माल खाली करना ही पड़ा मेरे को, अभी दोनों चलाते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर भी खाली खाली चल रहे थे, प्लांट भी बहुत स्लो चल रहा था, एग्रीगेट मिलता नहीं तो स्लो ही चलेगा प्लांट। भाई दो दो जैसी भी चालू हुई हैं, क्या कर रहा है वही, हमने जो गाड़ी खाली कर दी उसको समेट समेट के डाल रहा हूँ। भाई इनकी हालत टाइट होने वाली है दोनों की, स्टंट कर रहा है, स्टंट रास्ता खराब है। भाई ये जो जेसीबी है ये 12 मॉडल है, जब जेसीबी इंजन में जब आई थी जब कई मॉडल है वो 10 साल पुरानी है, और ये जो दूसरी आप देख रहे हैं ये तो शायद 17 मॉडल है सर ये वाली। और आज इन दोनों की बनने वाली रेल, स्लो चला रहा देखो कितना, पुरानी वाली देखो कितनी फास्ट चल रही है। डिपेंड करता है ऑपरेटर के ऊपर भी, डिपेंड करता है आपका ऑपरेटर कैसे है, वो तो कितना स्लो चला रहा, आराम से आ रहा, आराम से भी जा रहा है। और दूसरा वाला ये हमारा खुद का जेसीबी है, तो सब फर्क एक चीज़ और भी बताता हूँ, ये हमारी खुद की जेसीबी है, कंपनी की है, और ये वाली जेसीबी रेंट वाली, तो रेंट वाले रेंट जैसे ही काम करते हैं, धीरे धीरे आएंगे धीरे धीरे जाएंगे। मेरे हिसाब से वो एक लोडर डाल पाएगा हॉपर में, और ये दूसरा वाला हमारा दो लोडर डाल देगा। कितना सुनो देखो डाल के जेसीबी ने यहाँ पे लोडर भर लिया, ये फर्क होता है, तो ये तो हर जगह होगा, रेंट वाले अपने हिसाब से करते हैं, बाकी ये ना तो
गाड़ी हुई काफ़ी गंदी है, जिस पर पानी धूली इतनी उड़ती है। करो चक्कर नहीं मर पा रहा मिलर के पास जाने का, नहीं तो कर मशीन के पास उससे कर लेते ना, बहुत है लेकिन वाइपर वाइपर चला कर देंगे। दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से, एक भाई पूछ रहे थे कि वो आपका ऑक्शन वाला किधर है एक्सकेवेटर, वो ये खड़ा है सामने अभी, इसका काम अभी चालू हुआ नहीं है। जैसे इसका वो कोटेशन अभी आने वाला है, मेरे को कोटेशन जैसे ही आ जाता फिर मैं इसका वीडियो बनाता हूँ कितना खर्चा है इस पर। और यहाँ पर देखो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से, ये सब पंचर खड़ी है, एक ये खड़ी है, एक ये खड़ी है, एक ये भी खड़ी है। एक दोस्तों ये वाली एक्सकेवेटर भी हमने ऑक्शन से ही ली थी ट्रांसफर से, ये भी अभी ऐसी खड़ी है, इसमें कोई काम वाम नहीं और उसका सामान और खुल गया। लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है भैया टायर पंचर की दुकान पे, ये अपने कैंप के अंदर ही है। ये हमारे आलिम मिस्त्री लगे हैं। काय की सील चली गई, हब की सील, ऑयल सील चली गई। तो ये जो लोडर था ना हमारे पास एस्कॉर्ट का, ये हो गया ख़राब। इसका क्या हुआ, फैन बेल्ट वगैरह कुछ टूट गया है तो हो गया ख़राब। सुबह हो गया था 7:30 पे, अभी इसको ये फैन बेल्ट इजीली मिलते नहीं, इसका सामान नहीं मिलता इजीली। ये सामान मिलेगा अपने को या तो बैतूल जाओ इटारसी या फिर भोपाल में मिलेगा, तो गाड़ी भेजी है उसका सामान लेके आई। एक तो ये वाला ख़राब हुआ है, दूसरा इसके साथ वाला है वो ये पहले के ख़राब था, ये ऑप्शन वाला है ट्रांसफर से लिया था, इसको कंप्लीट कर रहा है, इसकी लाइट वाइट लगा के एकदम कर दिया ओके। अब इसका ये टायर सामने वाला थोड़ा डैमेज है, इसको भी कर रहा है चेंज। तो दूसरा वाला ये वाला है, ये भी ट्रांसफर से ऑक्शन में ही चल रहा था अच्छा वाला, इसमें बैक मार रहा है इंजन, इसका तो इंजन का काम आ गया, अभी लंबा चौड़ा काम है इसलिए खड़ा हो गया ये। अभी देखो इसका इंजन का काम यहाँ पे कराते हैं या फिर इसी कंपनी में भेजेंगे कुछ पता नहीं है। उस वाले की ये जो फैन की जो मोटर होती है वो ख़राब है, तो इसकी खोल के लगा दी अभी, इसके लिए फिर नया मंगाया जाएगा। ये तो अभी काम होगा इंजन का तभी देखा जाएगा, टायर भी ख़राब था उसका तो चेंज कर दिया है इस वाले का। भाई पूरा खुला हुआ है इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर, क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक फिल्टर भी चेंज हो गया है, एयर फिल्टर इसका बस चेंज करना है, बाकी पाइप इसके पुराने हैं, एक महीने बहुत परेशान करने वाला है। ये वाला टायर बस चेंज कर देते हैं, चलाएँगे तभी इसकी कुछ व्यवस्था बनेगी। भाई पहुंच गए अभी साइड पे, गाड़ी लेके आ गए अपन, कंप्रेसर भी आ गया अपना और यहाँ पे पेवर भी उतार लेते हैं। दलजीत उस्ताद का ट्रेलर है भैया, रैम वैम बन गया, जैसी थोड़ी बुला ली थी रैम बनाने के लिए बन गया है। भाई ये पीली परना पीली टी शर्ट में आदमी देख रहे हो ना, ये भैया हमारी कंपनी का ऑलराउंडर बंदा है, ये दलजीत नाम है इनका, दलजीत उस्ताद। ये ट्रेलर भी चला लेते हैं भैया, डंपर भी चला लेते हैं, पेवर छोड़ के मेरे साथ से सब कुछ चला लेते हैं, पेवर और कर मशीन नहीं आती इनको, बाकी सब आता है, जेसीबी एक्सकेवेटर। अभी ट्रेलर चला रहे हैं, ऑपरेटर छुट्टी पे, जब तक ट्रैक्टर भी खूब चलाए इन्होंने। इस टाइप के बंदे भी कंपनी में भाई लोग होने चाहिए, रोलर भी चला देते हैं भैया, डामर पर भी रोलर चलाया इन्होंने, पीटीआर भी चला लिए है, क्या पीटीआर में तो आगे पीछे करना है। चलो भाई पेवर उतर गया है। अभी दोस्तों हमारे पास काम करने के लिए बड़े बड़े पैच नहीं है, अभी छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं बस यार, वही इसी में टाइम पास कर रहे हैं। टाइम बहुत लगता है, पेवर शिफ्टिंग करना है बहुत टाइम लगता है, पेवर भी उतरेगी लगभग, अभी इसको करेंगे फिट, लगेगा 1-1.5 घंटा लगेगा फिट करने में भी। फिटिंग कैसे करते हैं ये तो वीडियो मैंने आपको बनाया है, आप लोग चाहो तो चैनल के पेज पे जाके आप देख सकते हैं। ये देखो भाई जल्दी सुस्ता नहीं माने कि इसको साफ़ कर दो यार, रास्ते में जाने वालों को धूल लगती है, मिट्टी गिरती है, अपना ट्रेलर साफ़ कराने लग गया जबरदस्ती।
ये चीज़ दोस्तों पुराना जो ऑपरेटर रहते हैं उनकी निशानी है, उनको मशीन साफ सुथरी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये भाई हैं अपने दलजीत उस्ताद, उन्होंने बहुत दिन से जमा हुआ था मिट्टी मिट्टी, कभी एक्सकवेटर लोड हो रही है, कभी कुछ लोड हो रहा है, कभी कुछ लोड हो रहा है, वो ही आता है ख़राब, तो साफ कर दो। रास्ते में जाने वाले बाइक वालों को धूल वूल लगती है तो अच्छी बात नहीं है, कर दिया भैया इसको भी साफ कर दो। अपने पास सब साधन है तो फिर कर देना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। गाय को धूल उड़ा रहा रोड पे यहाँ पे, कंप्रेसर पे मिट्टी मिट्टी कर दी। देखो तो साफ तो किया ही किया, देखो भाई चमक गया है। पहले दोस्तों दूसरों को साफ करो फिर खुद को साफ करो, है वही काम हो गया इसमें। हवा उल्टी चल रही थी दोस्तों जब खड़ा किया इसको। भाई की अभी भी रू नहीं भरी, अब पहले पीछे का साफ किया उसका ट्रेलर का, ट्रॉली साहब की अब लग गया भैया कायम है केबिन के अंदर। अरे भाई यार अब भी मानी मार के आए दलजीत के चक्कर में, पूरी गाड़ी पे वही डस्टी डस्ट। अरे यार ये हो गया काम खराब, मेरे को भी लगता है ऊपर से मेरे को हवा माननी पड़ेगी इस पर। भाई सर्दियों के टाइम में पेवर फिट करना बहुत इजी काम रहता है, और अभी है गर्मियों का टाइम और टेम्परेचर भी बहुत है, गर्मी भी पड़ रही बहुत, इस टाइम पे पेवर फिट करना कोई हंसी खेल नहीं है भाई। क्योंकि इस टाइम पे जो इसकी लोहे की जितनी प्लेटें वगैरह रहती हैं सब हुए गर्म, ऊपर से गर्मी, कोई मजाक नहीं है। चलो हो गई पेवर की स्क्रीट हो गई फिट फाइनली, बस इसके आकर वगैरह फिट करके काम करते चालू, कंप्रेसर भी आएगा थोड़ा सा क्लीनिंग करना साम। भाई आ गया तेल वाला, तेल डाल लेते हैं इधर भैया, चल रहा पीवर में चल रहा है डीजल, और ये गाड़ियाँ और भी खड़ी हो गई हैं भैया मिट्टी पे चलने वाली गाड़ियाँ। तेल के लिए खड़ी हो गई डीजल के लिए, ये भैया हमारा टाटा का है, ये टाटा 207 पे बना हुआ टैंकर है, ये 2000-2500 लीटर कैपेसिटी वाला ही है। भाई लेइंग कर दी चालू, मौसम बहुत गर्म है, DVM कर रहे हैं आज यहाँ पर, DVM का लिंक चालू किया फर्स्ट लेयर, पेवर भी अभी रेडी। एक रोलर हमारा पहुँच गया है, तो एक रोलर से हमने रोलिंग भी स्टार्ट कर दी, दूसरा रोलर भी पहुँचने वाला है एक 15-20 मिनट में, तो जब तक अपन ने काम तो चालू कर दिया है। भाई अपना दूसरा रोलर भी आ गया, ओ तोड़ता, ये हमारे कर्मचारी लोग देखो कैसे घूम रहे हैं, हमारे इंजीनियर चलो भाई अपना रोलर भी हो गया शिफ्ट, अभी कर देते हैं पेवर, आगे निकल गई पेवर दल मार्चिंग करते हुए सीधे, इसको भी ले जाते हैं उधर ही। भाई ट्रैक्टर पे आनंद लेते हुए जीवन के, ट्रैक्टर भी एक नंबर है या वीडियो डालते हो YouTube पे। ए ढोकी ढोकी, ये भी ट्रैक्टर जैसा मुड़ जाता है जरा सी देर में, देख पीछे की मिट्टी भी साफ नहीं करी सवेरे, पूरी गाड़ी इसने है ना मालूम है कंप्रेसर से साफ करी, अभी मिट्टी साफ करना भूल गया। साफ पीछे लगा दोगे पेवर यार तुम, पेवर तो आई बेटे, छाती भी चढ़ गई पेवर। अब हमारे इंजीनियर लोग भी बराबर चक्कर मार रहे हैं आज, इनकी खैर नहीं, इनके इलाके में पेवर पहुंच गई मेरी, आशु भैया अलग टेंशन में, काय की भैया टेंशन, आशु भैया पीने की प्यास लगी शाम वाली, ठीक है यार आशु भैया। भाई गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठते हैं ना आग निकलती, आग है एक तो क्या, छाँव वाँव है नहीं, हाईवे रोड बन रहा है तो पेड़ वेड़ तो मैक्सिमम कट ही गए, छाँव है नहीं, गाड़ी ऐसी खड़ी करनी पड़ती है ऐसी रोड के किनारे,
आग लग जाती है, ज़रा इधर बैठ नहीं सकते गाड़ी में। अभी खोल दिए चारों पांचों सीस, चारों शीशे इसके, बुरा हाल है यार गाड़ी का। किया सेल्टोस में ही है, सब में है, पता नहीं, बोलेरो स्कॉर्पियो में नहीं लगता इतना, इतना इसमें लगता है यार, पता नहीं क्यों। ये दोस्तों हमारे DBM की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ रोलर भी आ गए यहाँ पे, और भी गाड़ी खड़ी, पेवर चल रही थी। देखो मैं बोल रहा था ना, इसीलिए हमने रोक के रखा था, गाड़ी ज़बरदस्ती बीच में घुस गई और ये काम डल गया इसका, क्योंकि पेवर जा रही मार्जिंग करते हुए। हमने दूसरा वाला रोड हमने इसके लिए ओपन कर दिया था, बंद भी करके, लोग मानते नहीं हैं। ये जा रही है, आपको दिख रही होगी मूव करते हुए पेवर, 1 किलोमीटर मार्चिंग करा दी मैंने आज। ट्रेलर लाओ, ट्रेलर पे लोड करो, फिर यहाँ पर उतारो, रैम बनाओ तो लफड़े होते हैं। फाइनली दोस्तों पहुँच गए जहाँ पे हमने को पहुँचना था, 1 किलोमीटर की मार्चिंग करके पेवर की, ये आ गए हैं। और ये यहाँ पे डाइवर्शन है, और ये यहाँ पे हमको करना है काम इसके आगे, यहाँ पर क्लीनिंग का काम चालू कर दिया। यहाँ हुआ एक प्रॉब्लम, ये इधर मिट्टी का ढेर ये लगा हुआ है, और यहाँ पे डाइवर्शन का बोर्ड हम निकाल रहे हैं। सुबह मैंने गलती कर दी, जब JCB आई थी तब इसको क्लियर कर लेना था, कि मेरे पास JCB अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा देखते हैं। जुगाड़ करके भैया निकाल लीजिए इसके से, पेवर निकाल जा राजा। यदि पेवर की मार्जिंग देखी आप लोगों ने, जब दोस्तों क्या होता है, आपके आसपास JCB नहीं रहो, ग्रेडर नहीं रहो, तो ऐसे जुगाड़ करने पड़ते, छोटे मोटे रिक्स लेने पड़ते हैं। आंसू भैया ने सिखाया हमको, निकाल दिया हल्का हल्का, वो मिट्टी हमने थोड़ी लूज कर दी थी तो ऊपर से इसके निकल गई। भाई ये जो आप टुकड़े बुकड़े देख रहे हैं ना, छोटे छोटे 100 मीटर के, कहीं 150 मीटर के, ये वाला पैच ऐसा 140 मीटर का, अभी पहले किया था वो 110 मीटर का था। अब बोल रहे आप भी क्यों कर रहे हो, क्योंकि विवादित थे ये जगह पहले से, अभी बाद में कट है एकदम, जितना ज़रूरत है उतना ही कट करने दिया सामने। यहाँ से जब गए थोड़ा ये लैंड एक्विजिशन का कुछ प्रॉब्लम था, बाद में फिर सॉल्व हुआ, तो उतनी जगह जितनी आपको रोड बनाने के लिए चाहिए थी उतनी मिल गई हमको, तो ये अब हो रहे हैं। ये ऐसे ही वो पैच था, ऐसे ही वो है, तो आज काम भी काफ़ी कम ही हुआ है, फिर भी हमने आज 21 लोड कर दिए, यहाँ डाल दिया कुछ कुछ, हमने बस भी बना दिए, कुछ जंक्शन भी बनाए हैं। और इसलिए दोस्तों उस वाले पैच पे हमने सिंगल रोलर चलाया था, अभी यहाँ दूसरा रोलर भी आ गया है, क्योंकि 100 मीटर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे पहुँच गए अपने दोनों रोलर, काम भी एकदम चालू है, 2-3 लोड आ रहे हैं, खाली करते हैं आज। ये छोटे छोटे जो पैच होते हैं दोस्तों, इनमें बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा हमाली वाला काम हो जाता है। लंबा पैच रहे आपको 40 लोड डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं, पर इन पैचों में काम लोड तो कम डलते हैं और हेडकबाजी बहुत रहती है। तो दोस्तों 1-2 लोड और बचे हैं, इनको खाली करते हैं, फिर लगाते हैं पेवर साइड में। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डेली के डेली अपडेट करता रहता हूँ। अभी गटर लॉन्चिंग का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, लॉन्चिंग आज चालू हो गई है, गटर भी लॉन्च हो गया है, लॉन्चिंग का वीडियो मैं लाने वाला हूँ, कैसे गटर की लॉन्चिंग की जाती है, बेयरिंग कैसे फिट की जाती है, इस टाइप का वीडियो मैं लाने वाला हूँ आप लोग। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।